एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं सब बच्चे? सो आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड सबको मेरी आवाज़ आ रही है एंड सब बच्चे रेडी हैं इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। देखो, आज मैं सबको बुला रही थी, यार आ जाओ इस चैप्टर को फाइनली खत्म करें। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, द हाइएस्ट रेटेड चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लगता है, बट अगर आपने इस सीरीज को पूरा देखा है, एक एक लेक्चर को सुना है, तो आपके लिए मुझे नहीं लगता कुछ ट्रिकी या फिर कुछ डिफिकल्ट होने वाला है। और आज का सेशन तो इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज के सेशन में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि जिस पर सारी जेनेटिक सिस्टम है बेस्ड है, वो हम पढ़ने वाले हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब आज हम सीआईडी भी बनने वाले हैं। सीआईडी में आपने देखा ना, एसीबी प्रद्युमन, दया, दरवाजा तोड़ दो, तोड़ने के बाद ये सैंपल लो, सैंपल को भेज दो फॉरेंसिक्स में। तो फॉरेंसिक्स के बारे में जानकारी, ठीक है, कि वो जो सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल और एनी काइंड ऑफ सीमेन सैंपल, सलाइवा सैंपल, ये सारे सैंपल्स का क्या किया जाता है एंड किस तरीके से, जिन जिन आदमियों पे उनको शक होता है ना, सस्पेक्ट होते हैं जो, फिर उसमें से कैसे पता लगता है कि क्रिमिनल कौन है। तो सस्पेक्ट जितने भी हैं उन सबका डीएनए फिंगरप्रिंट और क्राइम सीन का डीएनए फिंगरप्रिंट मैच किया जाता है। जिससे मैच कर गया वही आदमी असली खूनी है, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में उस डीएनए सैंपल में क्या देख रहे हैं, है ना, व्हाट इज दैट थिंग, तो आज वो हम पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक है आज का। तो अगर आप लोग सेशन में आ ही गए हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, सो दैट हम इसको आगे बढ़ाएं, है ना बेटा? क्या हो गया यार, चल रहा ना? यस, चल रहा। तो जिसको दया बनना है, जिसको फॉरेंसिक्स में जाना है, उसके लिए बेटा ये फील्ड बहुत मस्त है। यस, ठीक है बेटा, शुरू करें। यस, बता दो फटाफट से। यस मेरे बच्चों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या चीज है बेटा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पता है कब स्टार्ट हो गया था? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। और इसको खत्म और ये खत्म तब हुआ था जब तुम पैदा हुए थे। व्हाट एन एनालॉजी! ये तब स्टार्ट हो गया था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और ये खत्म तब हुआ था जब तुम तकरीबन पैदा हुए थे या होने वाले होगे, है ना। तो काफी साल लग गए थे इसको, 13 साल लग गए थे। और इन 13 साल में हमारे 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर हैं, उन सबको हमने डिसिफर किया, डिकोड किया, देखा कि डीएनए में, जिनोम में आपके किस जगह क्या प्रेजेंट है, कौन सा जीन कितना बड़ा है, कितने इनफैक्ट नंबर ऑफ जीन्स हैं इसमें। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज ने हिस्सा लिया। तो आज बेटा इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पहले पढ़ेंगे कि यार क्यों इसको एक मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है, दूसरी चीज इसके गोल्स क्या थे, और फिर हमने इसको अचीव क्या किया और क्या क्या मेथडोलॉजी इसमें यूज की पूरे जीनोम को डिसिफर करने के लिए। तो चलो बेटा जी, शुरू किया जाता है आज का कार्यक्रम। यस, तो बात करते हैं एचजीपी की। किसकी बात करेंगे? HGP, दिस इज ह्यूमन। देखिए, आप बच्चों को बता दीजिएगा, अगर आप आज या आने वाली क्लासेस में आपका यही सीन रहा, तो बेटा फिर मैं तो बंद कर देती हूँ। आप केमिस्ट्री पढ़ लेना, फिजिक्स ही पढ़ लेना, बायो तो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बायो तो बहुत कम आती है ना, है ना। बायो में तो बस स्ट्रेटजियां देख के और एनसीईआरटी रीड करके बात बन जाती है, ठीक है। अगर आपको लगता है ऐसा सीन है, तो फिर मैं इसको डन कर दूंगी। बस मैं चैप्टर तो कंप्लीट मेरे को कराना ही था, तो वो मैं आपको करवाने आई थी, ठीक है। मैं चेक कर रही हूँ बेटा, ये जो बच्चे थे ना, जो उस वाले वीडियो के नीचे बहुत लिख रहे थे, अरे मैम आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, ये है वो है, हमने कहीं ज्वाइन नहीं कर रखा है। यस, उन सारे बच्चों को मैं बता दूँ, है ना, ये टेस्ट चल रहा है बेटा आपका, राइट। ये टेस्ट में अगर तो तुम पास हुए, तो हम मंडे से कुछ नया स्टार्ट करेंगे। अगर तुम पास नहीं हुए, तो बेटा फिर ठीक है, मैं भी रिलैक्स करूंगी। मैं यहाँ पर 4 दिन, मैं भी बाहर आई हुई हूँ ना, तो ऐसा करूंगी मैं 4 दिन और रुक जाऊंगी, 4 दिन और रुक जाऊंगी, तो ठीक है मैं भी रिलैक्स कर लूंगी। मैं क्यों जल्दी आ रही हूँ यार, मेरे जल्दी आने से बच्चों को थोड़ा कोई फर्क पड़ता है ना बेटा? यस, मेरे जल्दी आने से बच्चों को थोड़ा फर्क पड़ता है। तो आप एक बार ही सब बच्चों को ये चीज बता दीजिएगा। और एक सेशन मैंने मंडे के लिए रखा है, जिसका लिंक मैंने पिन करा है,
राइट उस सेशन में मुझे सबकी अटेंडेंस चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी अ सुपर डुपर सेशन। उस सेशन में बेटा मैं आपको आने वाले समय का पूरा प्लान बताऊंगी, अगर तुमने आज ठीक परफॉर्म किया तो। ठीक है, तो जो मैंने पिन कर रखा है ये आपको दिख रहा होगा नीचे, उस पिन कमेंट पर जाकर सेशन को लाइक और नोटिफाई मी पे जरूर क्लिक कर लो। नोटिफाई मी लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपको वो सेशन का पता चले। कई बार सेशन हो जाता है, बच्चे सोचते रह जाते हैं कहाँ हो गया, तो लाइक इट एंड डू क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन ऑफ दैट सेशन। ठीक है जी, तो देखते हैं। चलिए, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बेटा जी अगर बात करें तो यार ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसको करने में सालों लग गए थे। शुरुआत हुआ था 1990 में और चला कब तक था, 2003 में। मेरे ख्याल से तुम्हारा जन्म भी 2003 के आसपास, नहीं उसके बाद हुआ होगा। अगर 2003 में तो तुम अभी 20 साल के हो गए होगे, है ना, मतलब उससे थोड़ा सा बाद में तुम्हारा जन्म हुआ। मेरे जन्म से पहले बेटा स्टार्ट हो गया था, मतलब मेरा जन्म इनके बीच में। ठीक है, तो इसको करने में कितने साल लग गए, 13 ईयर्स लग गए। इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने बेटा पार्टिसिपेट किया, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बड़ा इंस्टीट्यूट हुआ ना पूरे विश्व के हिसाब से देखें तो। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने बेटा हिस्सा लिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस में जो है उसने हिस्सा लिया, यूके का वेलकम ट्रस्ट उसने बेटा जी हिस्सा लिया। तो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। इसमें बेटा और भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि जापान है, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तब जाकर बेटा ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हुआ। अब तुम सोचो यार, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको करने में भी 13 साल लग रहे हैं, तो सस्ता तो नहीं हुआ होगा, है ना, पैसा तो बहुत लगा होगा। 9 बिलियन US डॉलर्स, अगर मैं इसकी कॉस्ट देखूंगी पूरी, अप्रोक्सीमेटली 9 बिलियन US डॉलर्स इसमें लग गए थे। तो इट वॉज अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट। इसीलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो पहला सवाल तो बेटा जी ये बनता है कि आप इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलोगे। वन ऑफ द रीजन कि आपने इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला इज बिकॉज कि इसमें 9 बिलियन US डॉलर्स लगे। दूसरा रीजन कि बेटा जी इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि बेटा इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर आइडेंटिफाई करना था। आप जानते हैं ना हमारे पास क्या है, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर है, 3 × 10⁻⁹, विच इज अ ह्यूज नंबर। तो इतने सारे बेस पेयर को अपने को आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई करने के बाद बेटा जी इसकी क्या करनी थी, सिक्वेंसिंग करनी थी। ठीक है, तो इस वजह से ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। इसमें बहुत सारा सपोर्टिंग स्टाफ लगा, है ना, इतनी कंट्रीज तो थी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, टेक्नीशियंस होंगे बहुत सारे, है ना, टेक्नीशियन होंगे बहुत सारे, साइंटिस्ट होंगे, सिंस बेटा इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था इसीलिए ये मेगा प्रोजेक्ट है। अब बेटा जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने सारे बेस पेयर के बारे में पता लगाना है, जीन्स के बारे में पता चलना है, तो यार इस सब डेटा को स्टोर भी तो करना है ना, क्या करना है बेटा जी, स्टोरेज भी इसकी चाहिए, स्टोरेज ऑफ द डेटा। अब यार इतना सारा डेटा है तो आप इमेजिन कर सकते हो, इसको जब स्टोर करने के लिए निकलेंगे तो अराउंड 3300 किताबें भर जाएंगी, इतना सारा डेटा निकलेगा। ठीक है, और ये 3300 किताबें एक एक पेज की नहीं है, 100 पेज ईच, कैन यू इमेजिन, 3300 किताबें 100 पेज ईच, और हर पेज पर 1000 टाइप लेटर्स। सो इस सारे रीजंस की वजह से बेटा इस प्रोजेक्ट को बोला जाता है वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट। अब बेटा क्यों किया गया था, व्हाट वर द गोल्स, है ना, इसके गोल्स क्या थे, लेट मी जस्ट शो यू। ये आपको बेटा एज इट इज यहां से याद करने पड़ेंगे, ये देखिए, देख पा रहे हैं सबको, सब बच्चे, ये एज इट इज पूछे जाते हैं, डब्बे में बना देंगे और इसमें से पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर द गोल्स ऑफ एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये एनसीईआरटी कि क्या क्या गोल्स है। पहला गोल क्या है यार, 20 से 25 हजार जीन्स अपने को आइडेंटिफाई करने हैं, है ना, इस पूरे प्रोजेक्ट में 13 साल में इन्होंने 20 से 25 हजार जीन को आइडेंटिफाई किया। साथ ही बेटा 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर का सीक्वेंस हमें पता लगाना था, ये एज इट इज याद, कितने जीन्स पता लगाने थे, 20 to 25,000। साथ ही में 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर को के सीक्वेंस को डिटरमिन करना, फिर बेटा उसको स्टोर करना था, मैंने बताया ना स्टोर करने के लिए 3300 किताबें, 100 पेजेस ईच एंड 1000 लेटर्स ऑन ईच पेज। ठीक है, साथ ही में डेटा अब इतना जब सारा बन जाएगा, अब इमेजिन करिए 3300 पेज
बुक्स का डेटा बन जाएगा, तो आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे? तो ऐसे टूल्स लेके आएंगे जिससे एनालिसिस क्या हो पाए, बेटर हो पाए, साथ ही में ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स। अब इतना सारा डेटा निकाला है, काम कैसे आएगा, दूसरे सेक्टर्स को कैसे देंगे, ये भी इसका एक गोल था। और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गोल जिस पे सवाल आता है, दैट इज एलसी। एलसी क्या है? एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज। इस प्रोजेक्ट के चलते बेटा बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी आए, जैसे कि अगर मैंने पूरे जिनोम का डेटा पता लगा लिया, सीक्वेंस पता लगा लिया, तो आज के समय तो बेटा मैं किसी का भी क्लोन बना सकती हूँ, है ना? आई कैन मेक क्लोन, मुझे तो पूरा सीक्वेंस पता है। मैं डिजाइनर बेबीज क्रिएट कर सकती हूँ, है ना? बहुत सी इन्फ्लुएंशियल हस्तियां हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, या कोई बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनका मैंने क्लोन क्रिएट कर लिया। तो यानी कि जब आपको इतनी सारी चीजें बॉडी के बारे में, साइंस के बारे में, डीएनए के बारे में पता चल जाएंगे, तो आप उसको फ्रीली किसी भी काम के लिए यूज नहीं कर सकते। आपको थोड़े बैरियर्स लगाने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगानी पड़ेंगी, एथिकल इश्यूज को भी टैकल करना पड़ेगा, लीगैलिटी को भी उसके देखना पड़ेगा, और सोसाइटी के हिसाब से भी चलना है कि सोसाइटी पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो ये सवाल बहुत बड़े पूछा जाता है, एलसी क्या है? तो एलसी ये एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज जो कि इस प्रोजेक्ट से आ सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ आई, बताना मुझे? यस 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 यस, हाँ जी बताओ, क्या ये बात सबको समझ आई? ये मैंने सब नीचे वाला बता दिया, ये वाला मैंने सब नीचे वाला बता दिया है, बताओ फटाफट से। यस, तो अब देखते हैं कि यार हमने ये काम किया कैसे, हाउ विल यू डू दिस। यस, सो मेथोडोलॉजीज, देख तो लिया कि यार क्यों करना है, गोल्स पता चल गए ना, ये भी पता चल गया क्यों इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला है ना, क्यों इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला है। तो दो तरीके से बेटा इसको किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड इज कि पूरे डीएनए के सीक्वेंस को वन बाय वन एनोटेट करो। दिस मेथड इज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। यस, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोला जाता है बेटा जी? सीक्वेंस एनोटेशन। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। क्या मतलब है? देखिए इसके नाम से ही मैं आपको बताऊंगी, इसके नाम से ही बेटा जी मैं आपको बताऊंगी। यस, सीक्वेंस एनोटेशन एंड एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। पहले लिख लेते हैं यार इसमें होस्ट क्या यूज करेंगे। होस्ट बेटा जी अपने ने यूज किया किसको? बैक्टीरिया और यीस्ट को। ठीक है, बैक्टीरिया प्लस यीस्ट को एज अ होस्ट यूज किया, और एज अ वेक्टर, बेटा होस्ट वेक्टर की कहानी बायोटेक में करेंगे। जब मैं बायोटेक बताऊंगी ना, तब क्या होस्ट होता है, क्या वेक्टर होता है, ये सब बताऊंगी। वेक्टर के केस में हमने यूज किया बैक और याक। बैक इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, याक इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है जी, अब देखते हैं यार सीक्वेंस एनोटेशन क्या मतलब है। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब है तुमने डीएनए को निकाला, और डीएनए में ए टी सी जी सी जी जो भी सीक्वेंस है उसको वन बाय वन तुमने स्टडी किया। कैसे किया? सैंगर ने। ठीक है, सैंगर बेटा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेक्निक निकाली थी जिसको हम सैंगर सिक्वेंसिंग बोलते हैं। सैंगर सिक्वेंसिंग की मदद से आपने पूरे डीएनए का, चाहे वो कोडिंग है नॉन कोडिंग है, पूरे पूरे डीएनए का सीक्वेंस जान लिया। इसकी वजह से सैंगर को बेटा जी नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, यस, सो सैंगर फाउंड बोथ द डीएनए सीक्वेंस एज वेल एज द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, मतलब होल सेट ऑफ जीनोम इज सीक्वेंस्ड, चाहे वो कोडिंग है चाहे वो नॉन कोडिंग है, पूरे के पूरे रीजन का सीक्वेंस उसने पता लगा लिया था। और बेटा फिर बाद में उसको फंक्शंस भी देने शुरू करे। यस, फंक्शंस भी देने शुरू करे। तो सीक्वेंस एनोटेशन में अपन ने क्या किया, हमने यहां पर सैंगर सीक्वेंसिंग यूज की। कौन सी सीक्वेंसिंग बेटा जी यूज की? सैंगर सीक्वेंसिंग। कैसे किया? हमने बेटा जी डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, इस डीएनए को स्टडी किया। ठीक है जी, स्टडी किया। स्टडी करने के बाद दो चीजें मैंने पता लगाई, एक तो यार कि क्या क्या डीएनए का पूरा सीक्वेंस है वो पता लगा लिया, और इस सीक्वेंस में कौन से कोडिंग है सारे का, कोडिंग का भी नॉन कोडिंग का भी, सारा का सारा सीक्वेंस बेटा सैंगर सीक्वेंसिंग से मैंने पता लगा लिया। साथ ही में उससे कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी मैंने पता लगा लिया कि कौन सा प्रोटीन बन रहा है, किस सीक्वेंस से कौन सा प्रोटीन बनता है। सोचो कितनी बड़ी जानकारी है कि मैं तुम बता दूं ये एटीसीजी सीजीसीजी से ए प्रोटीन बनता है, ये टीसी 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 से बी प्रोटीन बनता है। दिस वॉज अ वेरी बिग डिस्कवरी, और इसकी मदद से हम काफी चीजें सॉल्व कर पा रहे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। यस बेटा, क्या थोड़ा बड़ा लिखूं बताना? ए रुक गया क्या? एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। बड़ा बड़ा लिखे क्या? एक बार बता दो यार, सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो,
जितने बच्चे प्रेजेंट है उतने बच्चे सेशन को लाइक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हैं? बताइए जितने बच्चे प्रेजेंट है। देखो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ अभी, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, ठीक है। तुम्हारी इच्छा थी सब हैंड रिटन करने की, सब करा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा थी यहाँ पर आकर लाइव करने की, मैं सब करा रही हूँ। मैं कहना चाहती तो ये भी कह सकती थी मेरे लिंक ट्री पे सब दिया हुआ, जाओ कर लो जाके, है ना। आपके रिएक्शन देख कर मैं कहना चाहती तो ये भी कह सकती थी, बट मैंने ऐसा बोला नहीं, है ना। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। तुम बस ये देखो मैम के पास पेशेंस बहुत है, पूरे पेशेंस से देख रही है, ठीक है। आ जाए हो, नहीं आए हो, नहीं आए कोई बात नहीं, मैं बाहर गई हुई हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो यार यहाँ पे अपना सारा समय अपने पेरेंट्स को दूँ, बट नहीं यार, क्लास तो लेते हैं, इसकी भी ले रही हूँ प्लस की भी ले रही हूँ। मुझे कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे कोई नहीं बोलता बेटा क्लास लेने के लिए, बट मैं कर रही हूँ। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग यू। इफ आई एम गिविंग टाइम, आई एम बींग कंसिस्टेंट, मेरी इंटेंसिटी कभी खत्म नहीं होती है। मेरे को तुम यहाँ पर हर रोज देखना चाहते हो और देखते भी हो, तो मैं जस्ट तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ बेटा, है ना। तुम्हें पता है पेशेंस का घड़ा होता तो सबके पास बहुत है, लेकिन एक दिन पेशेंस फटता भी है, राइट। यस, एक दिन पेशेंस बेटा खत्म भी होता है, तो सब पता चल जाएगा। ये जो मैंने क्लास का लिंक दिया ना, उसमें मेरा पेशेंस फटने वाला है, तो उस क्लास को जरूर अटेंड कर लेना। नीचे मैंने पिन किया हुआ है, पिन किया हुआ है, और मैंने बताया भी है सरप्राइज बेटा उसमें क्या है। हाँ बेटा 1000 पेजेस, ठीक है 1000 लिख लो यार, 1 0 कम हो गया, 1000 लिख लो। यस राइट। चलिए तो मैं क्या कह रही थी यार, सेशन को लाइक कर दीजिए। आप सेशन को लाइक करना भूल जाते हैं। जितने बच्चे अभी प्रेजेंट हैं सबके सब बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। आज हम बढ़ते हैं मेथड नंबर सेकंड पे। फर्स्ट मेथड में तो क्या है यार, मैंने नॉन कोडिंग कोडिंग सबका सीक्वेंस ले लिया। सेकंड मेथड को आप ध्यान दीजिए, सेकंड मेथड में हम सिर्फ उतने सीक्वेंस को पता लगाएंगे जो कि कोडिंग है। देखो इतना बड़ा डीएनए है, सारा का सारा डीएनए तो आरएनए नहीं बनाता। आरएनए तो सिर्फ आरएनए में कोई भी जो मेच्योर आरएनए होता है, एमआरएनए होता है, उसमें कोई भी इंट्रॉन्स वगैरह नहीं होते। तो मुझे किस वाले से मतलब है, मुझे उस वाले आरएनए से मतलब है जो एक्चुअल में प्रोटीन बना रहा है, जिसमें कोई नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं है। तो यहां पर हम डीएनए नहीं, पूरे डीएनए को सीक्वेंस नहीं कर रहे हैं, यहां पर मैं एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ जो प्रोटीन बनाता है। देखो एमआरएनए अल्टीमेटली जाकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो मुझे पूरे डीएनए से मतलब ही नहीं है, है ना, मुझे पूरे डीएनए से मतलब नहीं है। ऐसा करते हैं हम लोग बेटा जी, एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट एमआरएनए, जिसने बेटा कोई ना कोई प्रोटीन बनाना था। अब ये मैंने एमआरएनए ले लिया, इस एमआरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अपन लोग करा देते हैं। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे तो एमआरएनए से क्या बनेगा बताओ। यस, एमआरएनए से बेटा जी क्या बनेगा, यहां पर सीडीएनए बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाएगा। सी सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाएगा। अब यार ये जो एमआरएनए और सीडीएनए, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यार ये तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये देखो ये तो बॉन्ड बना के बैठ गए। अब क्या करोगे तुम, आरएनएज ले आओगे। क्या करोगे, क्या करोगे बेटा जी, तुम आरएनए से इसका ट्रीटमेंट कर दोगे। आरएनएज क्या करेगा, आरएनए खत्म कर देगा, आरएनए डाइजेस्ट कर देगा। तो बचा तुम्हारे पास क्या, बचा बेटा मेरे पास अल्टीमेटली एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि बेटा आरएनए तो खत्म कर दिया आरएनए से। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको तुम पॉलीमरेज एक्टिविटी से इंट्रोड्यूस करा दो, ताकि इसका एक और स्ट्रैंड भी बन जाए। पॉलीमरेज एक्टिविटी करा दो, ताकि ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाए, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाए। यानी कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बताओ इसमें क्या नॉन कोडिंग सेगमेंट होंगे, क्या नॉन कोडिंग सेगमेंट होंगे, नहीं। हियर वी आर ओनली आइडेंटिफाइंग दोज जीन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। सारे जीन्स यहां पर पता नहीं लगा रहे हैं, ये एक्सप्रेस्ड वाले हैं, यानी कि ओनली दोज जीन्स आर आइडेंटिफाइड विच आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, विच आर एक्सप्रेस्ड, यस बच्चों, एज आर एन ए, ठीक है जी। तो ये दो मेथडोलॉजी अपने ने यूज की, सैंगर से सब कुछ पता लगा लिया, और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग से हमने सिर्फ वही वाले सीक्वेंस पता लगाए जो कि आरएनए की तरह एक्सप्रेस होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जीन तो वही है ना, वही आगे प्रोटीन बना रहा है, बाकी का हिस्सा तो प्रोटीन ही नहीं बना रहा। तो ये सब करने के बाद मेरे पास कुछ सेलियंट फीचर्स आ गए, ठीक है। मेरे पास बेटा जी कुछ सेलियंट, ये मैंने मेथडोलॉजीज आपको बता दी है, मेरे पास क्या आ गए, सेलियंट फीचर्स आ गए। ये देखिए, ये भी आपको एज इट इज याद करने रहेंगे। ये सब मैंने सब कर लिया, और फिर मैंने रिजल्ट निकाला। देखो इतने सारे लोग थे,
$9 बिलियन US डॉलर मेरा लग गया इस पे, तो कुछ तो रिजल्ट निकलेगा कि भैया मेरे पास इतने बेसिस हैं, इतने जीन्स हैं, सबसे बड़ा जीन ये है, सबसे छोटा जीन ये है, तो ये सब मेरे पास रिजल्ट निकला एज इट इज, ये फैक्ट है, इसको हमें फैक्ट को एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई शक शंका नहीं हो सकती है। तो सबसे पहली चीज क्या निकल के आई कि ह्यूमन के जीनोम के पास पता है कितने बेस पेयर हैं, 3164.7 मिलियन बेस पेयर, नॉट बेस, यस, ये क्या है 3164, ये एज इट इज याद करोगे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ह्यूमन जीनोम में इतने बेस पेयर हैं, ठीक है जी। एक एवरेज जीन में कितने बेसेस होते हैं, 3000 बेसेस होते हैं, बट साइज वेरी भी कर सकता है। ये जो लार्जेस्ट जीन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन, उसमें 3000 बेसेस नहीं, उसमें 2.4 मिलियन बेस है। तो एक एवरेज जीन के पास, याद करो बेटा, एक एवरेज जीन के पास कितना बेस लगाओगे, 3000 बेस, बट हमारे पास एक्सेप्शन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन जिसमें 2.4 मिलियन बेसेस हैं, याद हो गया, लार्जेस्ट जीन क्या है, डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन बेटा इट इज एसोसिएटेड विद डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड है, एंड दो तरीके की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जो बहुत सिवियर फॉर्म होती है उसको डीएमडी बोलते हैं, डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और जो थोड़ी माइल्डर फॉर्म होती है दैट इज बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके बारे में मैं आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी साथ में बताऊंगी, ठीक है, बट इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर तो डिस्ट्रॉफिन, ये जैसे जीन है ना डिस्ट्रॉफिन, डिस्ट्रॉफिन जीन डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन ही बनाता है, राइट, अगर तो बिल्कुल सही जीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन कम बना तो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी, नहीं बना तो डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। सो इट्स अ लार्जेस्ट जीन विद 2.4 मिलियन बेसिस, मेरे साथ साथ अभी याद करोगे, अभी मैं तुमसे सुनूंगी, सुन सकते हो, यस मेरे बच्चों, साथ साथ याद कर रहे हो, अभी के अभी सुन लूंगी इसको, क्योंकि एज इट इज पूछा जाएगा। अब अगली चीज हमें क्या पता चली यहां से, दैट द टोटल नंबर ऑफ जीन इज 3000 और मच लोअर। पहले हमने क्या सोचा था कि यार जीन पता कितने होते होंगे टोटल डीएनए में, 80,000 से 1,40,000, 1.5 लाख तक मतलब जीन होंगे, है ना, ऑलमोस्ट ऑल 99% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। लेटर ऑन हमें पता चला है 1.5 लाख जीन नहीं है, सिर्फ कितने जीन्स हैं, 30,000, और एक जीन में कितना बेस पेयर है, कितने बेसिस हैं, 3000, 30,000 जीन है, एक जीन में एवरेज के तौर पर 3000 बेसिस है। और मुझे क्या पता चला कि यार 99% हमारे बेसिस तो सब सेम है, यू मी हम सब सेम है, अमायरा, चेतन, रोलेक्स, अनीता, एक्सपेंसिव थ्रिल, जन्नत, चाय वाले, ये क्या नाम रखा हुआ यार है, हर्षित, नामेश, हम सब बेटा सेम है, हम सब भाई बहन, समझ रहे हो, तुम्हारे में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 0.1, 99.9% तो हमारे बेसिस मैच कर रहे हैं, तो हम लोग इतने डिफरेंट क्यों हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 0.1%, है ना। और ये क्या कह रहे हैं कि यार फंक्शन ऑफ ओवर 50% ऑफ द जीन्स इज अनडिस्कवर्ड, अभी हमें हाथों का तो फंक्शन ही नहीं पता, सोचो कितनी रिसर्च करनी बचती है, तुम लोग कल को जेनेटिक्स की फील्ड में जाओ, ह्यूज रिसर्च इज स्टिल पेंडिंग, अभी इतनों के फंक्शन हमें नहीं पता, less than 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन कोडिंग कितना है, less than 2%, less than equal to 2%, मतलब बेटा सिर्फ इतना ही प्रोटीन कोड कर रहा है, 98% क्या निकला, जंक डीएनए निकला, कुछ काम ही नहीं कर रहा, आपको लगता है कुछ काम नहीं कर रहा, एक्चुअली बेटा ये जंक डीएनए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, रिपीटेड सीक्वेंस टेक अप लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, इसको हम यूज भी करेंगे, बारी बारी जो रिपीट होता है, टैंडमली रिपीट होता है, ठीक है। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस आर द स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, ठीक है भाई, रेपिटेटिव सीक्वेंस होता है जैसे एटीसीजी 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 एटीसीजी, बारी बार रिपीट होता जाए, दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, रेपिटेटिव सीक्वेंस कभी भी कोडिंग रीजन में नहीं होते, ये मैं भी लिखवाऊंगी, हमेशा नॉन कोडिंग रीजन में ही रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं, ठीक है जी। अब ये कुछ फैक्ट बता रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा जीन्स है, कितने, 296 है, और वाई क्रोमोसोम ऐसा है जिसके पास सिर्फ 231 जीन्स है, याद रहेगा, यस। और एक और चीज, वाई क्रोमोसोम के ऊपर सबसे छोटा जीन भी है, एक तो वाई के पास सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स है, प्लस बेटा वाई के पास स्मॉलेस्ट जीन भी है, पता है कितने बेस पेयर है, इसमें सिर्फ 14 बेस पेयर का जीन है, दिस इज TDF, टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, इसको SRY जीन भी बोलते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट जीन है जिसको SRY या फिर टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर जीन भी बोला जाता है। तो लार्जेस्ट जीन किसके पास हुआ, एक्स के पास, डिस्ट्रोफिन जीन सबसे बड़ा है, सबसे छोटा जीन किसके पास हुआ,
वाई के पास एस आर वाई जीन और टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर, ठीक है जी। यस, स्लिप की कहानी मैं आपको अगले पेज पे खुद लिखवाने वाली हूँ। क्या आपको सेलियंट फीचर समझ आ गए मेरे बच्चों? यस, बताइए क्या सेलियंट फीचर समझ आ गए, याद हुए या नहीं हुए? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मुझे पता चला कि टोटल बेसिस कितने हैं, 3164.7 मिलियन बेसिस, ठीक है, बेस पेयर 3164.7। और क्या पता चला कि यार एवरेज नंबर ऑफ जीन्स मेरे पास कितना है, पहले मैं 1.5 लाख जीन सोचती थी, 80,000 से 1.5 लाख, अब मुझे पता चला है 30,000 जीन है सिर्फ। इन 30,000 जीन में भी एवरेज जीन में कितने बेसिस आपके पास प्रेजेंट है, सिर्फ 3,000। एक्सेप्शन है डिस्ट्रोफिन जीन जिसमें आपके पास 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है। सबसे छोटा जीन कौन सा हो गया, एस आर वाई जीन वाई क्रोमोजोम पे, एंड सबसे बड़ा जीन कौन सा हो गया, डिस्ट्रोफिन जीन। साथ ही मुझे पता चला यार क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसा जिसके पास जीन्स का नंबर बहुत ज्यादा है, कितना, 2968 है। वाई के पास जीन्स का नंबर भी कम है, 231, और उसके पास सबसे छोटा जीन भी है। और क्या पता चला यार कोडिंग सीक्वेंस तो मेरा बहुत ज्यादा कम है, 2% कोडिंग है जो प्रोटीन बना रहा है, 98% जंक है। और क्या मुझे पता चला, हम आपस में सब लोग, हम इतनी दूर रहते हुए भी 99.9% सेम है, सिर्फ 0.1% डिफरेंस है, ठीक है जी। तो ये सारी कहानी अपने को वहां से पता चली। स्निप के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं अभी, यहाँ पर याद हो जाना चाहिए। हो गया मेरे बच्चों, स्निप क्या होता है, स्निप बेटा जी क्या होता है, हाँ जी ओके, स्निप क्या होता है, दिख रहा है, यस स्निप क्या होता है, स्निप इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। कोई बच्चा ही अपना दिमाग मत यूज करना मैम, स्निप तो स्नैप होता है, स्निपशॉट, स्नैपचैट, स्निपचैट, है ना, ये सब अपना दिमाग मत लगाइएगा। स्निप इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब, तीन बच्चे मुझे दे दो, तीन बच्चे को यहां पर अपने आप को वॉलंटियर बनाना चाहें, यस कौन वॉलंटियर होंगे बता दो, तीन बच्चे कोई वॉलंटियर। बेटा आप पे मजाक हो सकता है, तो इसीलिए अगर आप मजाक लेने के लिए रेडी हो तभी अपना नाम आगे मुझे दीजिएगा। ऐसे मुझे पोले से बच्चे नहीं चाहिए जो उनको गुस्सा लग जाता है, जिनको कुछ हो जाता है। हाँ जी, कौन बच्चे हैं जो थोड़े से स्ट्रांग है? एक तो यार नैन्सी है, ठीक है, देन मेरे पास कौन है, यस मिताली है, एक कोई लड़का बता दो अपना नाम, मिताली है, और मेरे पास कौन है, यस शिवा है, शिवा कुमार, यस। तो मेरे पास तीन बच्चे अपनी क्लास में, नैन्सी है, मिताली है और शिवा है, ठीक है। इनका सीक्वेंस जरा देख लीजिए, यहां पर मेरे पास है नैन्सी में जी सी ए टी सी जी सी जी सी जी, ठीक है। मिताली में क्या है, जी सी ए सी जी सी जी सी जी, ठीक है। आगे मेरे पास शिवा है, शिवा में क्या है, जी सी ए सी सी जी सी जी सी जी। अगर तुम ध्यान से देखोगे इस पूरे के अंदर, इस पूरे के अंदर, यस देख पा रहे हैं, सब कुछ सेम है एक्सेप्ट दिस, सब कुछ बेटा जी यहां पर सेम दिख रहा है एक्सेप्ट दिस, बाकी तो सारा सीक्वेंस सेम है यार। अगर बेटा वेरिएशन सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे प्रेजेंट हो, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, बाकी सारा सीक्वेंस बेटा तीनों का सेम है, यहां पर बस टी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है। इफ वेरिएशन इज प्रेजेंट एट सिंगल न्यूक्लियोटाइड, दिस इज कॉल्ड एज स्निप, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और आप जानते हैं बेटा हमारे पास कितने स्निप्स हैं, 1.4 मिलियन सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस दे आर प्रेजेंट, और ये कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों जगह पर प्रेजेंट होते हैं। देखो भी मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा कि यार ये जो मेरे रेपिटेटिव सीक्वेंस है ये सिर्फ मेरे कोडिंग रीजन पे प्रेजेंट हो, नॉन कोडिंग रीजन पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये जो मेरे स्निप्स हैं जिसमें बेटा सिर्फ एक बेस का चेंज है वो मुझे कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पे मिलेंगे। तो स्निप क्या हो गया, स्निप हो गया वेरिएशन एट सिंगल न्यूक्लियोटाइड, यस वेरिएशन एट सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक जगह पर चेंज है, बाकी सारा सेम है यार, ये भी सेम है, ये भी सेम है, एक जगह पर चेंज है, इनको मैंने स्निप्स बोला। हमारे पास कितने ऐसे प्रेजेंट है, 1.4 मिलियन स्निप्स मेरे पास प्रेजेंट है हमारे डीएनए में, और ये जो 1.4 मिलियन है ना बेटा ये कोडिंग रीजन में भी है और ये नॉन कोडिंग रीजन में भी है। क्या काम है इनका, यस क्या काम है, यस बताइए बताइए क्या काम है इनका। आपको अगर पता हो इसी स्निप की वजह से एक बीमारी हो गई थी,
याद करो पिछला चैप्टर, एच बी ए जीन याद आया? यस। इस एच बी ए जीन में सिर्फ एक बेस पेयर चेंज हुआ था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ था, और आदमी का ये जो एच बी ए है ये किस में कन्वर्ट हो गया था? एच बी एस। उसको बेटा बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी जिसका नाम है सिकल सेल अनीमिया। यस, यानी कि एक स्निप के होने से पर्सन कैन बी डिजीज्ड, बीमारी हो सकती है ना? एक स्निप के होने से या तो पर्सन को क्या हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, और कई बारी एक स्निप के होने से पर्सन बच भी जाता है। बताओ एग्जाम्पल, जैसे एक जीन है CCR5 बेटा जी, एक जीन है, इसमें भी वन बेस पेयर का चेंज हुआ, वन बेस पेयर का बेटा जी चेंज हुआ, और बेटा कुछ सेल्स बन गए रेजिस्टेंट टू HIV। ठीक है, कुछ सेल्स के पास आ गया, क्या आ गया, रेजिस्टेंस टू HIV, रेजिस्टेंस टू HIV। यानी कि यहां पर ये जो स्निप है ये बेनिफिशियल स्निप है। तो स्निप बेटा जरूरी नहीं है कि नुकसानदायक ही हो, स्निप बेटा बेनिफिशियल भी हो सकता है, कई बार बीमारी कॉज करने का रीजन होता है, और कई बार बेटा इससे रेजिस्टेंस भी मिलती है। तो ये कहानी होगी आपकी स्निप की। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि यार कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों में प्रेजेंट होता है। कई बार बहुत सारे स्निप्स की वजह से बेटा वल्नरेबिलिटी होती है। जैसे हम पॉपुलेशन में पढ़ने के लिए जाते हैं ना कि यार ये पंजाब की पॉपुलेशन में देयर आर सर्टेन स्निप्स विच आर एसोसिएटेड विद कैंसर, है ना। स्निप्स पे बहुत जेनेटिक स्टडी हो रही है, बहुत सारे PhD स्कॉलर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट इस पे काम कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास ये रिस्पेक्टिव स्निप प्रेजेंट है तो तुम लोग ज्यादा ससेप्टेबल हो कैंसर के लिए या PCOD के लिए। ऐसे बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। कॉजल जीन तो तुम पता लगा ही रहे हो कि यार कैंसर का क्या है। समटाइम्स कैंसर इज नॉट कॉज्ड बाय एक्चुअल जीन, तब बेटा स्निप को स्टडी किया जाता है कि ऐसा देखा गया कि यार जिन जिन के पास ये स्निप है उन सबको कैंसर होने की आशंका ज्यादा है। तो ससेप्टेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज कैन बी गेस्ट बाय स्टडिंग स्निप्स इन दैट पॉपुलेशन। ठीक है जी, स्निप की बात हो गई। अब बात करते हैं यार उसी जंक DNA की, कितना परसेंट जंक था। यस बेटा, ये क्या है, सुमन क्या कह रही है यार, नेहा तरुण तुम दोनों में से कोई एक जना पहले बोल दो यार, क्यों ताना तानी कर रहे हो, बोल दो फिर मेरा काम हो जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, कौन नेहा, कौन तरुण, कितने परसेंट DNA कोडिंग था? 2%। 98% मतलब क्या था, नॉन कोडिंग। इस नॉन कोडिंग के पास क्या प्रेजेंट है, रेपिटेटिव सीक्वेंस। बेटा ये मुझे भी बता दिया करो, मैं भी हंस लिया करूंगी। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, जंक DNA बोला था। जंक DNA यानी कि नॉन कोडिंग के पास कौन से सीक्वेंस हैं, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। रेपिटेशन क्या होती है यार, दो तरीके की रेपिटेशन हो सकती है। एक तो यार रेपिटेशन ऐसे है जैसे कि ATCG, फिर आया ATCG, फिर आया ATCG। दूसरा क्या हो सकता है, ATCG, फिर आया AAATC, देन आया ATCG, देन आया आपका AATC, फिर आया ATCG। यानी कि या तो रेपिटेशन कैसे हो सकती है, एक के बाद एक ये आया, अगला भी ATCG आ गया, इसके बाद भी ATCG आया, वन आफ्टर द अदर। या फिर रेपिटेशन कैसे हो सकती है बेटा जी, ATCG आया, थोड़ा गैप आया, फिर ये आया, फिर थोड़ा गैप आया, यानी कि विद गैप्स भी रेपिटेशन हो सकती है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये स्निप्स की तरह कोडिंग रीजन में नहीं होती है, ये रेपिटेटिव सीक्वेंस ओनली एंड ओनली नॉन कोडिंग में होंगे, ओनली एंड ओनली नॉन कोडिंग में होंगे। तो यार ये प्रोटीन तो कोड नहीं करते, तो क्यों पढ़ रहे हैं इसको बताओ, क्यों पढ़ूं मैं तुम्हारा रेपिटेटिव सीक्वेंस, काजू का, तरुण का, वर्षा का, कोई तो रीजन होना चाहिए बेटा। प्रोटीन तो कोड नहीं करते, बट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। वो जो दया, ACP प्रद्युमन, सारी की सारी फोरेंसिक साइंसेस, वो सब किस पे टिकी हुई है, आपके DNA के इसी नॉन कोडिंग जंक DNA के रेपिटेटिव सीक्वेंस पर टिकी हुई है। ठीक है जी, सब कुछ इस पे टिका हुआ है। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फिंगरप्रिंटिंग भी नहीं कर पाओ, राइट? तो फिंगरप्रिंटिंग भी नहीं कर पाओगे। तो मैं आगे आपको रेपिटेटिव सीक्वेंसेस के टाइप्स बताऊंगी एंड साथ में DNA फिंगरप्रिंटिंग पूरा बताने वाली हूँ। अभी जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया, तो अब बेटा शुरू करते हैं अपन लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग से। करें शुरू? यस,
हाँ सही कह रहे हैं, जस्टिन कह रहे हैं हम चैट में भी कुछ जंक डीएनए है। मुझे लग रहा है बेटा जंक बच्चे आ गए हैं चैट में, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं, अगर जंक नहीं होगा तो असली बच्चा कैसे आएगा? मतलब अगर जंक होगा तभी तो उस 2% की वैल्यू है। वैसे तो नीट का भी बिल्कुल मामला अपने डीएनए जैसा नहीं लग रहा तुमको? नीट में भी 22 लाख बच्चा देता है, 1 लाख को एमबीबीएस मिलती है, बाकी तो सब जंक है, बाकी तो सब जंक है। नो वन इज कोडिंग फॉर प्रोटीन। तुम लोग एमबीबीएस कोड नहीं कर पाओगे, नो वन इज कोडिंग फॉर एमबीबीएस, ओनली 1 to 2% इज कोडिंग फॉर एमबीबीएस, है ना बच्चों? तो जंक है बेटा सारा मामला, जंक डीएनए से बचना है तुमको। अब देख लो तुम्हें जंक बनना है या फिर तुम्हें कोडिंग सीक्वेंस बनना है। बनेगा सिर्फ 2% बच्चा ही, बाकी नहीं बनेगा। इनफैक्ट नीट में तो 2% से भी कम है, क्या बताएं, है ना, 2% से भी कम है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम पे। सब बच्चों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, बताइएगा। यस, हैज एवरीवन ज्वाइंड माय टेलीग्राम? डेटा खत्म हो गया। अच्छा, सुबह से इतने ज्यादा इस बच्चे ने स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन देख ली या फिर गाने सुन लिए कि डेटा 4 बजे आके ही खत्म हो जाता है। बेटा कैसा काम करते हो कि डेटा तुम्हारा 4 बजे ही खत्म हो जाता है? ऐसा क्या कर रहे थे सुबह से? मैंने जान के अपनी क्लास मॉर्निंग में रखी है कि मॉर्निंग मतलब एक तरीके से इवनिंग में रखी है कि स्कूल से आता हो बच्चा भी देख ले, डेटा भी उसका ना खत्म हो, सोए भी ना वो इस टाइम पर। लेकिन आप तो बड़े गजब है, कैसे आपके डेटा खत्म होते हैं? 1.5 GB कैसे खत्म कर लेते हो यार? है, हाउ डू यू कंप्लीट 1.5 GB इतनी जल्दी? यस, ये सब समझ आ रहा है कि कैसे खत्म हो रहे हैं? मैम को सब समझ आता है बेटा, डेटा पढ़ाई से तो खत्म नहीं हो सकता। 3 क्लास दिन के लगाओगे, इससे ज्यादा क्या लगा लोगे? 3, 4, 5, 6 भी लगा लो ना तो भी डेटा खत्म नहीं होता है। ये सब पता चल जाना चाहिए कि आप कितना रैंडम स्क्रोलिंग करते होंगे इंस्टाग्राम में, पानी पियो सब। चलो बेटा, अब करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, वो हाथ वाली फिंगरप्रिंटिंग देखिए, आज भी फॉरेंसिक्स में उसको यूज करते हैं कि मान लो ये पड़ा है कुछ, इसके ऊपर खूनी ने हाथ से लगाया, पकड़ा होगा, फिर वो ग्लास सा लेके आएंगे, देखेंगे लाइट मार के, हाँ इस पर फिंगरप्रिंट्स हैं, उसको लेकर चले जाएंगे। लेकिन बेटा आजकल जो क्रिमिनल लोग है ना, बड़ा एडवांस हो गया। वो क्रिमिनल लोग, आपको क्या लगता है, क्राइम करने के बाद, ये सब टच करने के बाद, अपने प्रिंट देने के बाद, क्या वो इसकी सर्जरी नहीं करा सकता? करा सकता है ना? दिस कैन दीज कैन बी चेंज सर्जिकली, राइट? सुपरफिशियल चीज है ना, आप इसको चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा जला दोगे तो भी कैप्चर नहीं होगा, राइट? बेस्ट मेथड क्या है? हम सिर्फ इस पे रिलाई नहीं कर सकते, ऑल्दो ये हेल्प करता है हमें, बट हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते। अब हम किस लेवल पे जाएंगे? अब हम उसके डीएनए के लेवल पर जाएंगे, मॉलिकुलर लेवल पर जाएंगे, और मॉलिकुलर लेवल पर उसका प्रिंट पता लगाएंगे, मतलब उसके डीएनए में सीक्वेंसेस क्या है, फिर क्राइम सीन से मैच करेंगे, अगर मैच कर गए तो भैया यही खूनी है, ठीक है। तो ये टेक्निक किसने दी थी? यूके का एक इंस्टीट्यूट, एलिस्टर इंस्टीट्यूट, वहां पर एक साइंटिस्ट थे एलेक्स जाफरी, एलेक्स जाफरी ने बेटा इसको दिया था। और इंडिया में वीके कश्यप एंड लालजी सिंह, जो कि सीसीएमबी हैदराबाद, वहां के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टेक्निक को इंडिया में भी लेकर आया। सो दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज गिवन बाय एलेक्स जाफरी, यूके में है, एंड कश्यप एंड लालजी सिंह इन इंडिया। बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है यार, कश्यप एंड लाल जी सिंह, सीसीएमबी हैदराबाद, तो इंडिया हो गया। ये सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट है बेटा, सीसीएमबी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसीलिए बेटा एलेक्स जेफरी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये क्या है बेटा जी? फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी मैं पता लगाऊंगी आप में से खूनी कौन है। फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, और ये लाल जी कौन है? फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये लाल जी क्या हो गए? पिताजी हो गए किसके? ऑफ इंडियन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इंडियन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो करना क्या है इसमें? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डीएनए के कुछ कुछ हिस्से का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता लगाएंगे, जो कि यूनिक है, जो किसी से मैच नहीं हो सकते यार। मैं उन सीक्वेंसेस को ढूंढूंगी ना, तुम में वो मेरे मेरे जैसे होंगे, किसी में भी आपस में वो मैच नहीं कर रहे, लेकिन एक आदमी के हर सेल हर टिश्यू में वो चीज मैच करेगी, अनलाइक यू नो कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग।
तो यहां पर हम लोग किस सीक्वेंस को ढूंढ रहे हैं, यहां पर हम लोग वो डीएनए का सीक्वेंस ढूंढेंगे विच इज यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल, किसी में मैच नहीं करेगा। अब मैम बताओ वो कौन से सीक्वेंस है भैया जी जो यूनिक है। और बेटा इन सीक्वेंसेस को तुम चेंज नहीं करा सकते कि मैं सर्जरी कराने जा रहा हूं, मैं अपना डीएनए का फिंगरप्रिंट ही बदल दूंगा। यू कैन नॉट चेंज योर डीएनए फिंगरप्रिंट, दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड, कैन नॉट बी ट्रीटेड। तो फोरेंसिक साइंस में जाने के लिए तैयार हो? चले फोरेंसिक साइंस में बन जाए। एक मूवी भी आई थी यार अभी, मैं उस हॉटस्टार पे पता नहीं मतलब किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही आई थी, उसका नाम ही फोरेंसिक्स था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विक्रांत मैसी की थी एंड उसका नाम फोरेंसिक्स था। वो उसमें भी कोई क्राइम था एंड दे रिजॉल्व दैट क्राइम विद द हेल्प ऑफ फोरेंसिक। ये भी बेटा एक ब्रांच है जिसमें बच्चे जाते हैं आफ्टर डूइंग मेडिसिन, थोड़ी सी उस टाइप की ब्रांच है कि आपको रेगुलर में क्राइम सीन देखना, खून देखना, ये किलिंग्स देखने वाली है। बट यस पीपल वर्क इन दैट फील्ड इफ दे आर पैशनेट अबाउट दैट, सो दिस इज ऑल्सो गुड ब्रांच है ना। सीबीआई में बेटा इसकी पोस्टिंग्स, इसमें वैकेंसीज भी निकलती हैं है ना। हमारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक का वो भी इस पे काम करता है, तो इट्स ऑल्सो गुड फील्ड। बट कई बारी लड़कियों को बड़ा डर लगता है ये सब देख के, तो लड़कियां जनरली इसमें नहीं जाती हैं, लेकिन अगर हाँ हिम्मत है तो जाना बनता है यार, राइट। एमबीबीएस के बाद भी जा सकते हैं, यस हाँ, एमबीबीएस के बाद भी लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं वो यही फोरेंसिक्स के ही थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं, तभी बेटा वो पोस्टमार्टम कर पाते हैं, राइट। चलिए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे आते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैं ऊपर ऊपर से बताती हूँ, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। चलो बन जाते हैं एमबी वो वाले डॉक्टर, क्या करोगे, डीएनए निकाल दिया, कहीं से भी निकाल सकते हो। तुम क्राइम सीन पे गए, तुमको उसका बाल मिल गया, यहाँ से निकाल लिया। तुमको उसका नेल मिल गया, नेल से निकाल लिया। तुमको वहां पर कोई सलाइवा सैंपल मिल गया, वहां से तुम सेल निकाल के डीएनए को निकाल सकते हो, है ना। किसी भी तरह से, किसी भी सेल टिश्यू ऑर्गन से तुमने उसका डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। इस डीएनए को बेटा तुम कट करोगे, बताओ किससे कट करते हैं, कट इंटू फ्रैगमेंट्स, ठीक है। आपने इस डीएनए को क्या किया, कट किया किससे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, किससे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। काटने के बाद आपने उसको मिक्सी चला दी, मिक्सी चलाने का मतलब है आपने उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। और आपको याद होगा कि यार मैं एक ग्रेडियंट में तुमको सेंट्रीफ्यूज कराती थी, किसका डेंसिटी ग्रेडियंट करते थे, याद करो, मिसेलसन इंस्टॉल सेंट्रीफ्यूज विद डैश डेंसिटी ग्रेडियंट, ये हम कर चुके हैं, डैश डेंसिटी ग्रेडियंट याद करो बेटा, किसका डेंसिटी ग्रेडियंट, डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में बताया था, यस वेरी गुड गीता, मिस सोना, पूर्णिमा, सीना आदि, रोलेक्स, बिल्कुल सही है। हमने किसका डेंसिटी ग्रेडियंट किया था, सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो भारी चीज होगी वो नीचे बैठ जाएगी, अभी तो पूरा डीएनए ना, डीएनए को तुमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा। काटने के बाद बेटा तुम्हारे पास ऐसी एक ट्यूब बन गई, कुछ डीएनए भारी था जो नीचे बैठ गया, ये देखिए मान लीजिए भारी वाला डीएनए ये नीचे बैठ गया, और कुछ डीएनए क्या है मेरे पास हल्का है जो बेटा जी ऊपर आ गया, जो मेरे पास क्या हो गया, ऊपर आ गया। अब बेटा जो नीचे डीएनए बैठा ये मेन ह्यूमन डीएनए है जिसके पास डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि उसमें जीसी का सीक्वेंस ज्यादा है। तो मैंने नोटिस किया कि भैया ये जो नीचे डीएनए बैठे हैं ये रेपिटेटिव डीएनए नहीं है, ये तो भैया अपना मेन डीएनए है, दिस इज नॉन रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है। ये तो मेरा नॉन रेपिटेटिव डीएनए जिससे मुझे काम नहीं है, मुझे तो रेपिटेटिव डीएनए से काम था। ये नीचे क्यों बैठा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी। इसकी डेंसिटी क्यों ज्यादा थी, इसमें जीसी का जो सेगमेंट था ना वो काफी ज्यादा था, जीसी रिच था। और मैंने नोटिस किया कि भैया जो ऊपर आया उसकी डेंसिटी कम थी, ठीक है, डेंसिटी क्या थी, कम थी, क्यों, क्योंकि उस वो एटी रिच था, वो जीसी रिच नहीं था, ठीक है। और वो हमारा मेन डीएनए नहीं, वो तो फालतू वाला रेपिटेटिव डीएनए था। कैसा था, रेपिटेटिव डीएनए था। तो अब सोच में पड़ गए यार, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अब मैं इससे करूं या इससे करूं, विच सीक्वेंस इज यूज फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इज दिस मेन डीएनए इज यूज फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और दिस रेपिटेटिव डीएनए इज यूज फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो आंसर आया कि आप एक्चुअल में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएंगे वो मेन डीएनए से नहीं कराएंगे यार, आप किससे कराएंगे डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग, रेपिटेटिव सीक्वेंस से कराएंगे। फिर हमने इसको यूवी रेस से एब्जॉर्ब भी कराया,
एब्जॉर्बेंस ऑफ डीएनए बाय यूवी रेस, हमने देखा कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी डेंसिटी कम है वो कम एब्जॉर्ब होता है। तो हमने इसका ग्राफ भी एक एक्स्ट्रा बना लिया, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बना लिया। यहाँ पर हमने डाल दिया डेंसिटी, यहाँ पर डाल दिया एब्जॉर्बेंस बाय यूवी, ठीक है। क्या नोटिस किया कि यार एक मेरा थोड़ा सा ब्रॉड बैंड बना और एक मेरा सा थोड़ा छोटा बैंड बना। ये जो ब्रॉड बना इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ये ब्रॉड बैंड है, नीचे वाला नैरो बैंड है, इसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। तो ये यार ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बेंस भी ज्यादा है, ये वाला मेरा नैरो बैंड है, यानी कि इसकी डेंसिटी मेरे पास कम है। डेंसिटी कम होने का मतलब एब्जॉर्बेंस भी कम है। तो नैरो बैंड किसका बनता है, या फिर मैं पूछूं रेपिटेटिव सीक्वेंस का नैरो बैंड बनेगा या ब्रॉड बैंड बनेगा, बताओ रेपिटेटिव सीक्वेंस का बैंड कौन सा वाला होगा, नैरो बैंड या फिर ब्रॉड बैंड, बताओ। यस, बताइए बताइए बताइए। मैंने इतनी सब कहानी खुद बता दी है, जितनी डेंसिटी ज्यादा उतना एब्जॉर्बेंस ज्यादा। यस, कौन सा बैंड बनेगा, रेपिटेटिव सीक्वेंस का, ऑब्वियस सी बात है, रेपिटेटिव सीक्वेंस का मेरे पास कैसा बैंड बनेगा, नैरो बैंड बनेगा, यानी कि यही वाला मेरे पास क्या है, रेपिटेटिव सीक्वेंस है। चलो अब देखते हैं रेपिटेटिव सीक्वेंस होते कितने तरीके के। मेन बेटा हमारा काम इससे है, हमें इससे लेना देना है, हमें मेन डीएनए से लेना देना ही नहीं है, है ना, हमें इससे लेना देना है। तो देख लेते हैं एक बार रेपिटेटिव सीक्वेंस कौन से होते हैं और हमारे काम का रेपिटेटिव सीक्वेंस कौन सा है, ठीक है। आपको मैंने यहां पर दो तरीके के रेपिटेटिव सीक्वेंस बताए थे, ये यहीं पे देख लो, ये रेपिटेटिव सीक्वेंस कौन से थे, एक के बाद एक के बाद एक, देख रहे हो, एटीसीजी एटीसीजी एटीसीजी, सच टाइप ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस जिसमें गैप नहीं आ रहा है, वन आफ्टर द अदर रिपीट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज टैंडम रिपीट। मैं इसको उठा के वहां लिख दूं, एक मिनट रुकिए बेटा, इसको कॉपी करके ना वहां लिख देते हैं, वहां भी काम आएगा, कॉपी एंड देन पेस्ट, दोबारा नहीं लिखूंगी मैं, हाँ ये सही होगा, जे का और डंडी ऊपर रह गई, बट ठीक है। ये जो पहला वाला रेपिटेटिव सीक्वेंस है इसको हम लोग बोलते हैं टैंडम रिपीट, इसको बेटा जी हम क्या बोलते हैं, जो एक के बाद एक आ रहा है जिसमें कोई गैप नहीं, दिस इज टैंडम रिपीट। ये टैंडम रिपीट कितने बेसिस का है या बेस पेयर का है, बेस पेयर बोलना चाहिए, डीएनए डबल स्ट्रैंड है, ये टैंडम रिपीट कितने बेस पेयर का है, तुम बोलोगे इस टैंडम रिपीट में जो बेसिक रिपीट यूनिट है वो कितने बेस पेयर का है, चार है कि नहीं, बेसिस मत बोलना, बेस पेयर बोलना, क्यों, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में बात हो रही है ना। यहां पर अभी इस एग्जांपल में तुम्हें कितने का दिख रहा है, चार बेस पेयर का, इधर देखो ये गैप के साथ है, एटीसीजी एटीसीजी एटीसीजी, बीच में बेटा गैप्स आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरस्पर्स्ड रिपीट, ये टैंडम नहीं है, ये क्या है, इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स है, इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स है, यस ओके जी। अगर तो यार ये जो बेसिक रिपीट है मेरा, अभी तो ऊपर तो तुम्हें चार बेस पेयर का दिख रहा है, इफ दिस बेसिक रिपीट इज समवेयर बिटवीन 1 to 60 बेस पेयर, अगर ये बेसिक रिपीट 1 to 60 बेस पेयर का है, आपको पता है उस डीएनए को क्या बोलते हैं, उस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, उस डीएनए को बेटा जी हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट डीएनए हम लोग बोलते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए कैसा डीएनए, रेपिटेटिव या नॉन रेपिटेटिव, यस मेरे बच्चों, ये सारे पीडीएफ तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, बट साथ साथ लिखोगे तो बहुत बढ़िया, टेलीग्राम मेरे नाम से सीप पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल है ना, सीप पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल, ओके। सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, मैं नहीं बात करूंगी तुमसे, यस अगर पढ़ते हो तो सेशन को लाइक भी किया करो, ठीक है, ऐसे मत पढ़ के निकल जाया करो, उससे क्या होता है मुझे पता चलता है स्टूडेंट्स आर लाइकिंग इट, मेरी मेहनत का एटलीस्ट कुछ काम आ रही है, मैं लिख रही हूँ तो कोई नोट कर रहा है, फटाफट सेशन को लाइक कर दो। हाँ तो अगर 1 to 60 के बीच का बेस पेयर होगा, रिपीट बेसिक रिपीट यूनिट होगा, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो दो तरीके के सैटेलाइट हो सकते हैं, एक होता है मिनी सैटेलाइट और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, यस वन इज मिनी सैटेलाइट, अदर वन इज कॉल्ड एज माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में जो बेसिक रिपीट होगा वो 11 टू 60 बेस पेयर का होगा, हेयर द बेसिक रिपीट यूनिट थोड़ा सा बड़ा होगा ना माइक्रो से, दैट इज 11 टू 60 बेस पेयर, और यहां पर जो बेसिक रिपीट यूनिट है वो 1 टू 6 बेस पेयर का होगा। ये जो बेटा मिनी सैटेलाइट है ना, यही हमारे काम के है यहां पर, इसी को हम बोलते हैं वी एन टी
आर, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, इसको क्या बोलते हैं, STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट। समझ गए समझ गए। तो VNTR इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। क्या मतलब है इसका, कि मान लो मेरे, अभी चलो एग्जाम्पल बताते, STR क्या है, शॉर्ट टैंडम रिपीट, शॉर्ट टैंडम रिपीट मतलब रिपीट का सीक्वेंस सेम है बट किस आदमी में कितनी बारी रिपीट हो रहा है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। यस बेटा, टैंडम का क्या मतलब है, वन आफ्टर दी अदर, वन आफ्टर दी अदर वो चीज रिपीट हो रही है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, मिनी सैटेलाइट को यूज करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं VNTR को, VNTR को। यस मेरे बच्चों, यस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया क्रोमोजोम, ये बेटा जी मैंने क्या ले लिया, क्रोमोजोम। इस क्रोमोसोम के इस लोकेशन पर मैंने क्या देखा, इस क्रोमोसोम की बेटा इस लोकेशन पर मैंने देखा कि भैया यहाँ पर पता क्या प्रेजेंट है, GATC, GCC, TCC, GAGC। कितने बेस पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कर दिया मैंने, कितना कर दिया, 16 कर दिया। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ दोबारा लिख दो पेस्ट, एक बार यहाँ पर और प्रेजेंट है, फिर देखिए दोबारा लिख दो पेस्ट, एक बार और प्रेजेंट है, ये देखिए दोबारा लिख दो पेस्ट, ये एक बार और यहाँ पर प्रेजेंट है। बेटा मतलब इतने से डिस्टेंस में यहाँ पर ये जो 16 बेस पेयर का सीक्वेंस है, ये मेरा बेसिक रिपीट है जो यहाँ पर 4 बारी आ रहा है। 16 बेस पेयर क्या इस वाले के अंदर नहीं आ रहे, 11 to 60 के बीच में ही आ रहे हैं ना, यानी कि मेरा यहाँ पर बेसिक रिपीट मिनी सैटेलाइट वाला है। कैसा है, मिनी सैटेलाइट वाला है। बस तुम्हारे अंदर भी यही है सीक्वेंस, मेरे अंदर भी है, समीर के अंदर भी है, शशि के अंदर भी है, किलर बॉय के अंदर भी है, एन के पटेल के अंदर भी है, सबके अंदर ये सीक्वेंस है। मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 2 है, सबके पास यही सीक्वेंस है। अंतर क्या है, नंबर ऑफ रिपीट्स का। हो सकता है मेरे में ये 4 बारी रिपीट हो रहा है, शशि के अंदर ये 10 बारी रिपीट हो रहा है, एनके के अंदर ये 100 बारी रिपीट हो रहा है। इट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डिफरेंट नंबर में रेपिटेशन हो रही है, यानी कि ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ VNTR। यस, सो यहां पर नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हैं, इस वाले में तो मैंने दिखाया है 4 बारी रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। अदर पर्सन में हैव 20 30 60, इसीलिए इसको मैंने क्या बोला है, इसीलिए इसको मैंने बोला है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नॉन कोडिंग सीक्वेंस पर ही मिलेगा, रेपिटेटिव है ना, और रेपिटेटिव तुमको पता है सिर्फ और सिर्फ नॉन कोडिंग पे मिलेगा, स्निप कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पे थी, याद रखना। VNTR ओनली एंड ओनली तुमको नॉन कोडिंग पर मिलेगा। तो बेसिक पता चल गया क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैं यूज किसको कर रही हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैं इसी VNTR के कॉन्सेप्ट को यूज करूंगी, जो कि हर इंडिविजुअल के अंदर यूनिक है। मेरे में अगर 4 बारी आ रहा है तो हर सेल में 4 बारी आएगा, मेरे बाल में, ब्लड के सैंपल में, हर सैंपल में 4 बारी आएगा। एनके के अंदर अगर वो 20 बारी आ रहा है तो 20 बारी आएगा, सोनाली के अंदर अगर वो 100 बारी आ रहा है तो 100 बारी रिपीट होगा। बट हर ऑर्गेनिज्म आपस में डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ VNTR। चलो अब मैं बन गई हूँ फोरेंसिक डॉक्टर, मुझे लग रहा है मुझे वो आला वाला लेके बैठ जाना चाहिए, ठीक है, तब जाकर तुम्हें फील आएगी फोरेंसिक डॉक्टर की। अब सही में पूरा प्रोसेस करने वाले हैं। तो अब स्टेप नंबर 1, तुमने क्या किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। यस मेरे बच्चों, चलो अब प्रॉपर एक क्राइम सीन आ गया, ठीक है, ये मेरा क्राइम सीन चल रहा है। मुझे बेटा इन सब पे शक है, एक ये है, एक मुझे शक इस पे है, एक मुझे लगता है इसने खून किया। आपको क्या लगता है, ब्लू येलो या ये पर्पल, किसने खून किया है, किसी ने तो किया है ना, ये मेरे 3 सस्पेक्ट है। यस, सस्पेक्ट के सामने मेरे पास, मैंने ये सैंपल लिया यहां से बेटा, एक सैंपल लिया मैंने क्राइम सीन से,
ये मेरा क्या है, क्राइम सीन। तो बेटा मैं सारे स्टेप जो भी बताऊंगी वो सस्पेक्ट के लिए भी करूंगी, क्राइम सीन पर जो मुझे सैंपल मिला उसके लिए भी करूंगी। तो मैंने सबका क्या कर लिया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। देखते हैं बेटा कौन खूनी निकलेगा। डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया डब्ल्यूबीसी से, स्पर्म के सेल से, सलाइवा से, चीक सेल से, हेयर के फॉलिकल से, कहीं से भी तुम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तुमने इसको क्या कर दिया, इतना बड़ा डीएनए था ना, अरे वाइट से बनाते हैं, इतना बड़ा डीएनए था ना, इसको अब डाइजेस्ट कर लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, डाइजेस्ट विद RE, यानी कि अब डीएनए मेरा टूट गया है ना, डीएनए मेरा यहाँ पर टूट गया। अब इस डीएनए में हमको नहीं पता यार VNTR कहाँ है, इसमें VNTR भी है यानी कि कोडिंग रेपिटेटिव सीक्वेंस भी है और नॉन VNTR भी है। माध्यो अभी तक तो मुझे नहीं पता ना कि कौन सा VNTR है कौन सा नॉन VNTR है, उसका मैंने भी ट्रीटमेंट नहीं किया, दोनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगी, VNTR और नॉन VNTR को अलग कर दूंगी विद एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो स्टेप नंबर 3 में हम लगाएंगे AGE, या तो पेज लगाएंगे पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर मैं लगाऊंगी पॉलीएक्राइलामाइड जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कुछ भी मैंने लगाया। इससे मैंने क्या किया, VNTR और नॉन VNTR को अलग कर लिए। ये मैं बायोटेक में बेटा आपको समझाऊंगी कि यहाँ पर जो सेपरेशन है वो हम चार्ज और साइज के बेस पे करते हैं। सो हेयर द सेपरेशन का जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन चार्ज प्लस साइज। जब जेल रन हो जाती है इस हिसाब से बनता है बेटा, यस जब जेल रन हो जाती है ना तो ऐसा दिखाई देता है जेल रन होने के बाद, ये ऊपर वेल्स होते हैं ठीक है, फिर डीएनए जो है वो अपने साइज के हिसाब से मूव करता रहता है, बड़ा पीछे रह जाता है छोटा आगे चला जाता है, स्मॉलर द फ्रैगमेंट द फार्दर इट मूव्स। किसकी तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं, क्यों, क्योंकि डीएनए में चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, एनोड होती है, बट ठीक है इतना तुम मत करो। सो यहां पर क्या है, डीएनए अपने साइज के हिसाब से अलग हो जा रहा है, समझ रहे हो, सबसे छोटा दूर चला गया बड़ा वाला इधर रह गया, साइज के हिसाब से अलग चल हो रहा है, यानी कि ये इस टाइप का हमने काटा है कि लेंथ के हिसाब से आपने अरेंज कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉली मॉर्फिज्म, समझ गए, RFLP, रिफ्लिप इसको बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ वेरिएशन बोल लो या रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बोल लो। ओके जी, यस। अब मेरे यहां से VNTR और नॉन VNTR मेरे अलग हो गए, अभी मेरे पास कैसा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड। अब मैं इस चौथे स्टेप में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट कर दूंगी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, यानी कि अब अपने करते हैं डीएनए को डी नेचर, क्या कर लेंगे डीएनए को डी नेचर। डी नेचर करने का मतलब है मेरे पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेल पर ही बैठे हैं, अभी जेल में ही है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ऐसा क्यों, क्योंकि बाद में मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन करानी है। कैसे कराया आपने, जेल को अल्कली मीडियम में डाल दिया, किस में डाल दिया, अल्कली मीडियम में डाला, वो डीनेचर हो गए, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए और अब मेरा डीएनए क्या बन गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया। अभी भी ये किस पे बैठा है, जेल पर बैठा है। बेटा जेल बड़ी अनस्टेबल होती है, ज्यादा देर तक तुम जेल पे नहीं रख सकते, ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन भी नहीं कर सकते, तो अब इस डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए जेल से ट्रांसफर कर दोगे एक सिंथेटिक से मेम्ब्रेन पर, नाइलॉन की या नाइट्रोसेल्यूलोज की। तो स्टेप नंबर 5वां क्या हो जाएगा कि अब अपने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ट्रांसफर करेंगे, है ना, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस डीएनए फ्रॉम जेल टू आइदर नाइलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जेल बड़ी अनस्टेबल है, ये सिंथेटिक मीडियम है तो इस पे कर लेते हैं। इस प्रोसेस को जब हम जेल को बेटा जी ट्रांसफर कर रहे हैं इस पे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सधरन ब्लॉटिंग। इस प्रोसेस को बेटा जी अपन लोग क्या बोलते हैं, सदरन ब्लॉटिंग, ठीक है, सदरन ब्लॉटिंग, सदरन साइंटिस्ट का नाम था, ऐसा नहीं कि साउथ दिशा में बैठे थे और काम कर रहे थे, नहीं बेटा यहाँ दिशा का कोई रोल नहीं है, सदरन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उस हिसाब से हमने इसको नाम दिया है सदरन ब्लॉटिंग। ऐसी एक ब्लॉटिंग थी बेटा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, जिसमें हम आरएनए को जेल से मेम्ब्रेन पर लेके आते हैं, ऐसी एक ब्लॉटिंग है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जिसमें प्रोटीन को हम
जेल से मेम्ब्रेन में लेके आते हैं, वो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। सदरन इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सदरन में क्या किया, डीएनए को लेकर आए कहां, जेल से मेम्ब्रेन में। ऐसे ही बेटा जी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में बस आरएनए को लेकर आते हैं फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन। ऐसे ही मेरे पास वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है जिसमें अपन लोग प्रोटीन को लेकर आते हैं फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन। तो सदरन साइंटिस्ट का नाम है पर नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइंटिस्ट का नाम नहीं। ठीक है जी, चलो अब अपने ले आया यार, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद अब पेपर टॉवल को रिमूव कर दो और नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर ले आओ। अब जो पैटर्न, ध्यान देना, जो पैटर्न तुम्हारा जेल पे होता था वही पैटर्न अब नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर है। मानते हो, जो पैटर्न तुम्हारा जेल पर होता था वही पैटर्न अब नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर है। अब नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के ऊपर तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, VNTR भी है, नॉन VNTR भी है, पहचान सकते हो। अभी तुमने क्या किया था, देखो डीएनए को कट किया, कट करने पे VNTR भी बीच में है, नॉन VNTR भी बीच में है, फिर उसको जेल पे रन कर दिया साइज के हिसाब से, फिर जेल से उठा के उसको किस पे डाल दिया, मेम्ब्रेन पर डाल दिया। अभी भी तुम्हें क्या पता कि यार VNTR कौन सा है, काम तो तुम्हें VNTR से ही है ना। तो अब तुम क्या करोगे, जब ये नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर बैठे हैं तुम बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन कराओगे। यस, नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए विद प्रोब। कैसा प्रोब यूज किया, विच इज सिमिलर, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू VNTR, क्योंकि अब मुझे नॉन VNTR को निकालना है, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ओनली VNTR। अब जो बच्चा नया है उसके लिए प्रोब वर्ड भी नया है, तो मैं बता देती हूँ प्रोब क्या होता है। ये प्रोब एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बोलते हैं, ये भी आएगा आपके बायोटेक में, ये वर्ड लिखा जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो जिसके ऊपर हमने टैगिंग की हुई है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की, रेडियो एक्टिव होता है और बेटा जी कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, VNTR। तो भैया मैंने यहाँ पर प्रोब छोड़ दिया जो VNTR के कॉम्प्लीमेंट्री, क्या मतलब है, अगर मेरे VNTR में ये सेगमेंट है, मान लो ATC, मेरे VNTR में है ATCG, ATCG, तो मेरे प्रोब में क्या होगा, प्रोब में क्या होगा, प्रोब में होगा TAGC, TAGC, यही होगा ना प्रोब में, क्योंकि मेरा प्रोब VNTR के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो मेरा सारा का सारा प्रोब जाकर मेम्ब्रेन पर किससे जुड़ जाएगा, VNTR से जुड़ जाएगा, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, क्योंकि डीएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड बैठा है ना। बेटा ध्यान दो, मैंने डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कर लिया था, अब मैं इसके साथ प्रोब लगा सकती हूँ, लेकिन मैंने जान के ऐसा प्रोब यूज किया है जो कि VNTR के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो VNTR से जाकर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, फिर बेटा एक्स्ट्रा प्रोब को वॉश ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी वी विल वॉश ऑफ एक्स्ट्रा प्रोब, सब एक्स्ट्रा चीजें को धो दो, ठीक है, फालतू चीजों को सब निकाल दो। अब तुम अपनी नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन को रखो एक्सरे फिल्म पे, ठीक है, नाउ प्लेस एक्सरे फिल्म नेक्स्ट टू मेम्ब्रेन, नेक्स्ट टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बिल्कुल नजदीक तुम एक्सरे फिल्म रख लो। एक्सरे फिल्म पर भी वही पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा जो मेम्ब्रेन पर है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। देखो जहां जहां प्रोब लगा होगा, प्रोब मेरा क्या था, रेडियो एक्टिव था, अगर मेरा प्रोब रेडियो एक्टिव था तो यार वो एक्सरे फिल्म पर थोड़ा सा कलर देगा, डार्क बैंड्स देगा। यस, अब मुझे क्या दिखने लग जाएंगे, डार्क बैंड्स ऑन एक्सरे फिल्म, ऑटो रेडियोग्राफी पर मुझे उस हर जगह पर डार्क बैंड दिखने लग जाएंगे जहां जहां पर मेरा प्रोब जुड़ा है, मतलब वहीं वहीं पर मेरा VNTR है। और हर आदमी में ये जो पोजीशंस है डार्क बैंड की वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि हर आदमी में नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स क्या है, डिफरेंट है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ध्यान देना ये भी सवाल आ जाता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ऑप्शन दे रही हूं, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है जब हम डीएनए को जेल पर देखते हैं, इज इट डीएनए ऑन जेल, और इज इट डीएनए ऑन नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, और इज इट डीएनए ऑन एक्सरे फिल्म, बताइए
कौन सा सबसे बेस्ट आंसर है, कौन सा सबसे बेस्ट आंसर है, बताओ 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 सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसको बोला है, जब तुम डीएनए को जेल पर स्टडी कर रहे हो, जब तुम डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन पर स्टडी कर रहे हो, या फिर तुम डीएनए को एक्सरे फिल्म पर स्टडी कर रहे हो। देख लो ऑब्वियस ही बात है, जेल पर था, जेल से उसको मेम्ब्रेन पर लेके आए, ठीक है, फिर मेम्ब्रेन से उस पर प्रोब अटैच किया और एक्सरे फिल्म पर स्टडी किया। सो द बेस्टेस्ट आंसर इज गोइंग टू बी डीएनए ऑन एक्सरे फिल्म। और इसी पूरी टेक्निक की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमने पीसीआर की भी मदद ली, डीएनए को एम्पलीफाई भी किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अगेन इट विल कम इन बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारी चीजें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आपको बायोटेक में और अच्छे से क्लियर होंगी। यस, अब मैं एक एक्सपेरिमेंट तुमको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर ये तुम्हारी एनसीईआरटी है ना, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने बता दिया, ये सब बता दिया बेटा, एटी रिच जीसी रिच, ठीक है, हमने इसको डाइजेस्ट किया था ना सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट पर, ये सारी चीजें मैंने बता दी है ना। ये देखो पीक भी बता दी, किसकी पीक बनेगी छोटी, किसकी पीक बनेगी बड़ी, पीक बना के बता दिया था, ठीक है। यस, अब मुझे यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ ना वो मुझे स्टडी कराना है। ये देखो मेरा, हाँ जी मेरे बच्चों, राइट, ये कह रहे हैं पढ़ना, स्कीमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फ्यू रिप्रेजेंटेटिव क्रोमोसोम्स हैव बीन शोन टू कंटेन डिफरेंट कॉपी नंबर ऑफ वीएनटीआर। अपन सब में हर वीएनटीआर का डिफरेंट कॉपी नंबर है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन ने उसको जेल पे डाला है। टू अलील्स मेटर्नल एंड पेटर्नल ऑफ क्रोमोसोम आर आल्सो कंटेन डिफरेंट कॉपी ऑफ वीएनटीआर। मम्मी और पापा से जो अलील्स आए उसमें भी डिफरेंट कॉपीज होंगे। इट इज क्लियर दैट द बाइंडिंग पैटर्न ऑफ डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन किससे मैच होता है। ये तुम छोड़ दो अभी, बस ये ध्यान दो। यस मेरे बच्चों, इसको मैं हाइड कर देती हूँ, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। चलिए बेटा, आपको दो पैटर्न दिए हुए हैं, ये डीएनए लिया मैंने ए इंडिविजुअल से, ये डीएनए लिया मैंने बी इंडिविजुअल से। आपको पता है हर एक इंडिविजुअल में पेटर्नल और मेटर्नल क्रोमोसोम होमोलोग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेटर्नल क्रोमोसोम है, मेटर्नल क्रोमोसोम नंबर 7 का है, ये 2 की बाइंडिंग है, ये 16 की बाइंडिंग है। सेम वे बी में भी ये 2 की बाइंडिंग है, 7 की बाइंडिंग और 16 की बाइंडिंग है। फिर बेटा अपन लोग लेकर आए उसको जेल पर, वैसे तो हम इसको एक्सरे फिल्म पर देखते हैं बट जेल पे मैंने देखा, ये ए के बैंड ऐसे बने, बी के बैंड ऐसे बने। और बेटा यहाँ पर हमने डीएनए लिया क्राइम सीन से, ये देखो ये ए का है, ये बी का है, ये क्राइम सीन का, तो बताओ खूनी कौन है, खूनी कौन है, जिससे क्राइम सीन का डीएनए मैच करेगा वही मेरा खूनी है। दिख रहे हैं, ये ब्लू है बेटा कलर। यस, बताओ खूनी कौन है। हाँ जी, ये देखिए क्रोमोसोम नंबर 10 पे तो चलो मैच कर गया, इसका मैचिंग मेरे पास यहां पर नहीं है, है ना, खूनी कौन है, कह रहे सी खूनी है। बेटा सी तो मुझे मिला ही क्राइम सीन से, सी कैसे खूनी हो सकता है। दिस इज अ सैंपल दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम क्राइम सीन, ये तो मुझे क्राइम सीन में से मिला है, सी कैसे खूनी हो सकता है। सी तो मतलब चलिए क्राइम सीन में है, वो तो खून कर ही रहा है, लेकिन ए और बी मेरे सस्पेक्ट है, इन पे मुझे शक है, तो जिसके साथ ये सी मैच करेगा वही खूनी है। ए और बी में से आंसर आएगा, सी में से नहीं आएगा, मतलब कैसी डम वाली बातें कर लेते हैं। हाँ जी, तो मैंने देखा यार ए का ये इसमें प्रेजेंट नहीं था, ये बैंड इससे मैच हो रहा है बी वाले का, ये सी वाला बैंड भी मैच हो रहा है, ए का अगेन ये वाला मैच नहीं हो रहा है, ये बी वाले का मैच हो रहा है, ये भी बी वाले का मैच हो रहा है, ये ए वाले का ये भी मैच नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फिर ये बी वाले का मैच हो रहा है, यानी कि वी एन टी आर बी के मैच हो रहे हैं सी से। ए के होते तो एक खून नहीं होता, यानी कि यहां पर क्राइम किसने किया है, बी ने किया है, यही लिखा हुआ था यहां पर, यही बेटा आपकी एनसीईआरटी में यहां पर ये दिया हुआ है। ये देखो ध्यान दो, इट इज क्लियर दैट द बाइंडिंग पैटर्न ऑफ डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन सी है मैचेस विद द इंडिविजुअल बी नॉट विद ए। तो इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। और बढ़िया बात यह है कि यार नॉर्मल फिंगरप्रिंट तो तुम सर्जरी से ट्रीटमेंट से चेंज करा सकते हो, डीएनए का फिंगरप्रिंट आप चेंज नहीं करा सकते। हर सेल को थोड़ा चेंज करोगे, क्योंकि हर सेल में यही फिंगरप्रिंट है, एवरी सेल एवरी ऑर्गन एवरी टिश्यू हैज गॉट सेम फिंगरप्रिंट, ठीक है। यस, अब मान लो मेरे पास आ गए ट्विंस, अब बेटा केस चेंज कर रही हूं, केस बढ़िया कर देती हूँ, तुम्हारे पास आइडेंटिकल ट्विंस है, आपने देखे हैं आइडेंटिकल ट्विंस, किस किस बच्चे ने देखे हैं जरा बताना। ए इज नॉट मैचिंग विद सी, बेटा ए के कुछ कुछ बी एन टी आर्स मैच करेंगे, सारे क्रोमोसोम्स के नहीं करेंगे, तभी तो मैंने 3 लिए हैं सैंपल के लिए। हाँ जी, वो देखे हैं आपने। यस, अब यार आइडेंटिकल ट्विंस के तो क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम होते हैं, जिनोम इज सेम,
आइडेंटिकल ट्विंस में तो जीनोम तो सेम होता है, चिंकी मिंकी, रोहन सोहन, रमेश सुरेश, है ना, और क्या होते हैं जो आइडेंटिकल ट्विंस है जिनकी शक्ल, सेक्स, सूरत सब कुछ सेम है। आइडेंटिकल ट्विंस में तो बेटा मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, उनमें तो जीनोम सेम है, उनका तो डीएनए फिंगरप्रिंट सेम आएगा। अब मान लो अगर ए और बी मेरे आइडेंटिकल ट्विंस होते, फिर मैं क्या करती? फिर बेटा मैं क्या करूं? अगर ए और बी मेरे आइडेंटिकल ट्विंस है, इनका तो बिल्कुल सेम आएगा, फिर कैसे निकालेंगे? तुम्हारे पास अगर तुम्हें शक जुड़वा पे है ना, अ, 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 वो है ना किसकी मूवी है, वरुण धवन की और सलमान खान की जुड़वा, फिर तुम क्या करोगे? हाँ, फिर एसीपी सीप मैम आएंगी, एसीपी प्रद्युमन उस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एसीपी प्रद्युमन वुड बी लाइक अरे ये क्या हो रहा है, एसीपी प्रद्युमन बेटा इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर एसीपी सीप पहुंच जाएंगी, एसीपी सीप पहुंच जा के बताएंगे बेटा बुद्धू ये तो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, इनका जीनोम तो बिल्कुल सेम है, इनका फिंगरप्रिंट बिल्कुल मैच करेगा डीएनए वाला, तो अब इनके हाथों का फिंगरप्रिंट लिया जाए, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर हैंड फिंगरप्रिंट। तो आइडेंटिकल ट्विंस में ये चीज तो सेम आएगी, फिर हम इनके हैंड फिंगरप्रिंट्स को लेंगे, वो सेम नहीं होते हैं, वो दोनों में सेम नहीं होते हैं। हाँ, वो बहुत स्मार्ट टाइप के वो निकले, वरुण धवन और सलमान खान की तरफ बड़े ज्यादा स्मार्ट निकले कि उन्होंने हाथ पे भी सर्जरी करा भी लेंगे तो भी मैच नहीं करेगा, हाथ पे भी कुछ ऐसा किया हुआ है तो हमें किसी और चीज की मदद लेनी पड़ेगी, फिर मेरे को और दिमाग लगाना पड़ेगा, बट अभी तक के लिए आप उसके हैंड फिंगरप्रिंट से कर लोगे, ठीक है? यस, फिर और तरीका ढूंढेंगे यार, और पूछेंगे उनसे, जरूरी नहीं है फिंगरप्रिंटिंग से ही पता चलता है क्राइम किसने किया, और भी बहुत सारे सबूत होते हैं, और सबूतों को मद्देनजर लेते हुए ये अदालत किसी और नतीजे पर पहुंचेगी, और सबूतों के लिए कहेगी कि मैं तुम्हें एक और तारीख देता हूं, जाओ और सबूत लेके आओ, इस सबूत से बात नहीं बनेगी, ठीक है? बट यूजुअली बेटा हम आइडेंटिकल ट्विंस में हैंड फिंगरप्रिंट से फिर देखते हैं, क्योंकि उनका डीएनए फिंगरप्रिंट बिल्कुल सेम होता है। अब कुछ कुछ बेटा ड्रॉबैक्स भी है वीएनडीआर बेस्ड फिंगरप्रिंटिंग के, कि इसमें बहुत ज्यादा सैंपल साइज रिक्वायर्ड होता है, कम सैंपल साइज से बात नहीं बनती है, और फ्रेश सैंपल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि क्राइम हुआ था परसों आज जा रहे हैं सैंपल लेने, सैंपल मर चुका होगा तब तक, डिग्रेडेड हो गया, और ज्यादा ओल्ड डिग्रेडेड सैंपल पर तुम वीएनडीआर के बैंडिंग नहीं बना सकते हो। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके, बट यस इट्स अ गुड टेक्निक, वन ऑफ द हेल्पिंग टेक्निक, इट कुड नॉट बी प्राइमरी टेक्निक बट वन ऑफ द हेल्पिंग टेक्निक, जिससे हम पता लगाते हैं ये सारी चीजों का। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर, कैसा लग रहा है बेटा चैप्टर को? हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए यार, क्या आप सबने ये जो मैंने सेशन पिन किया हुआ है इसको लाइक किया? दिख नहीं रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, कल और परसों अब क्लास नहीं होगी, अब सीधा क्लास मंडे को होगी, एंड मंडे को मैं इस सेशन में बहुत बड़ा सरप्राइज भी देने वाली हूँ, एंड बेटा बहुत बड़ा धमाका देने वाली हूँ, और तुम्हें बिल्कुल लाइन पर लेके आने वाली हूँ कंसिस्टेंसी की, क्योंकि तुम लोग हो गए हो बहुत ढीठ, तुम लोग हो गए हो बहुत रिबेलियस, नहीं आएंगे क्या कर लोगे, नहीं आएंगे, तो सारी चीजें तुम्हारी मंडे वाले सेशन में मैं सॉल्व करने वाली हूँ, तो सब बच्चे इस नीचे दिए गए सेशन को लाइक करें, हो जाने चाहिए बेटा आज इतने लाइक्स, और चैप्टर बेटा जी यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसने पूरा किया है उसके 40 नंबर पक्के हैं, जिसने नहीं किया ठीक है बेटा बल्ले बल्ले तो चल ही रही है, सिलेक्शन तो थोड़ा सा कहीं होना, बाकी तो सब जंक है, तो तुम्हें जंक का हिस्सा बनना है तो तुम कर लेना, नहीं किया है तो आने वाली क्लासेस में, यानी कि अभी आपके पास आज क्या डे है, आज 3rd अगस्त है, तुम्हारे पास अभी 4th अगस्त है, ठीक है, 5th अगस्त है, और 6th को तो चलो संडे है, इसमें तुम्हारी नो क्लास, ठीक है, नो यूट्यूब क्लास। अब आपकी अगली क्लास होगी 7th को, जिसका सेशन मैंने नीचे पिन किया हुआ है, इस क्लास में सरप्राइज भी है, इस क्लास में डांट भी है, इस क्लास में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक वरदान भी है जो तुम्हें मिलने वाला है, तो इस क्लास में सब बच्चे कर लीजिए एनरोल, एनरोल का मतलब होता है लाइक कर लीजिए, क्या कर लीजिए? लाइक कर लीजिए, और इस क्लास को हर बच्चा लाइव ही अटेंड करेगा, लाइव ही अटेंड करेगा, ठीक है जी? ये नीट 2024 का सारा सिलेबस ही है बेटा। अगर आप मुझसे प्रॉपर बैच में पढ़ना चाहते हैं, जिसकी डेली क्लास होती है, जिसमें टेस्ट होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो बेटा आप मेरा अग्नि बैच, अग्नि प्रो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको मेरी गाइडेंस के लिए क्या लगाना है, सी प्लाइव लगाना है। आज का सेशन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, जिसने मेरे साथ ये चैप्टर पूरा किया, मुझे एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए। इफ यू हैव कंप्लीटेड चैप्टर्स विद मी टिल नाउ, आई वॉन्ट यू टू राइट योर एक्सपीरियंस इन द कॉमेंट बॉक्स, आज के कॉमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए बेटा आपका एक्सपीरियंस, ठीक है? मैं खुद पर्सनली पढ़ूंगी, कोई फीडबैक है तो वो भी आप मुझे जरूर दीजिए, मैं उस पर काम करूंगी, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, बट
जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है आज आपका कमेंट्स में मुझे चाहिए, कितनी क्लासेस लगाई है, कंसिस्टेंसी रही या नहीं रही, इंटेंसिटी रही, गलती करी, अच्छा करा, कि मैम मेरे से ये मिस्टेक हुई, या जो भी है आपको मुझे बताना है। और बेटा इन 3 दिनों में अपना बैकलॉग पूरा करके रखना है, क्योंकि मैं ये दोबारा नहीं कराऊंगी, आप लोगों को दोबारा नहीं कराऊंगी, तो अपना बैकलॉग कंप्लीट करके रखें। प्लेलिस्ट पूरी बन चुकी है, उस प्लेलिस्ट में अपना सारी क्लासेस हैं, साथ ही मेरा लिंक ट्री है बेटा, वो लिंक ट्री से भी आपको कोई और चैप्टर करना हो तो कर सकते हो, सिर्फ गूगल पे डालिए सी पाहुजा लिंक ट्री, ठीक है, गूगल पर सी पाहुजा लिंक ट्री डालेंगे सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके जी, चलिए तो अग्निप्रो बैच है, इसमें आप जुड़ सकते हैं, सी प्लाइव कोड लगाना है और आ जाना है मेरी क्लासेस में। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, देखिए अग्निप्रो बैच तो क्लास 12th और ड्रॉपर के लिए ऑलरेडी चल रहा है बेटा, इसमें टेस्ट भी होने वाला है संडे को। और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट तो आप मेरे आरंभ बैच में आ सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा 11th कराने वाली हूँ। एंड इस आरंभ बैच में आने के लिए भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड क्या लगाना है, सी प्लाइव लगाना है, ठीक है जी, यस ओके, तो चलते हैं बेटा अगली कक्षा में। आई विल वेट फॉर द कॉमेंट्स एंड आई विल वेट फॉर योर फीडबैक, एनी काइंड ऑफ सजेशन प्लीज आप मुझे कॉमेंट्स में लिख कर जाइएगा, आई विल रियली ट्राई टू इनकलकेट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। डीपीपी भी मेरे लिंक ट्री पर पड़ी है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले स्पेशल क्लास ली थी मॉलिकुलर की, आप उस क्लास में जाकर भी उसकी डीपीपी को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए बाय बाय बेटा, टेक केयर एंड थैंक सो मच, बाय बाय, अब अगली क्लास में ओके, रिविजन करना है, बैकलॉग करना है, जो जो सेशन नहीं लगाया उस सेशन को लगाना है, ओके जी, चलिए बाय।